फाइनली पहुंच चुके हैं देहाती हेयर सैलून पे बाल कटवाने के लिए। मैं था चल लिया नहाने और तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत सुबह के 5:40 पे हो रही है और इस टाइम पे मैं सुबह का व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ भाई कुछ आप लोगों को दिखा सकूँ। पहले देखो भाई कितना ज्यादा कुहासा है, अभी से कुहासा स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास हमारे टिल्लू भैया है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, हमारे ट्यूबवेल पे सुबह सुबह जितने भी सारे लोग दिखेंगे ना सब हगने के लिए जा रहे होंगे खेतों में। हमारे यहाँ शौचालय बना होता है लोगों को, लेकिन पता नहीं क्यों लोग खेत में हगने के लिए आते रहते हैं भाई। अभी पता है हमारे ट्यूबवेल पे सब मिलता है, सब जुगाड़ रखा हुआ है, बोतल रखा हुआ है, बड़ा बड़ा डब्बा भी रखा हुआ है। तो स्पेशली मैं किस लिए आता हूँ, सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड करने के लिए आता हूँ। कल वाले ब्लॉग में भी मैंने दिखाया हुआ है और हमारे इधर टिल्लू भाई उपस्थित है, तो अंदाजा लग रहा होगा कि क्या करने आए होंगे हम लोग। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं, यहीं पे खड़ा होकर वीडियो अपलोड करता हूँ। और भाई वहीं पे टावर है वीआई का, तो इतना हाई स्पीड चलता है ना भाई नेटवर्क, कसम से मजे ही आ जाते हैं भाई। तो ये देख लो भाई को ऐसा वैसा सुबह के टाइम लगा हुआ है। अभी हमारे जो है कि भाई सनराइज भी नहीं हुआ है भाई, पीछे देखो सनराइज भी नहीं हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर में सनराइज होते ही दिखाता हूँ भाई। फिलहाल मेरे 10 से 15 मिनट के अंदर मेरा जो वीडियो होता है वो अपलोड हो जाता है। कुछ लोगों को डाउट होगा कि भाई ये वीडियो मेरा कितना जीबी का होता है, तो भाई 1 GB से 2 GB का मेरा वीडियो होता है। और अभी हमारे सूर्य मामा अभी निकले नहीं भाई, तो मैं इनका कितना इंतजार करूँ, 5-10 मिनट और निकलेंगे 5-10 मिनट के अंदर। लेकिन क्या करूँ भाई, मैं चलता हूँ, कोई काम ही नहीं है यहाँ पे रुक के, तो घर चलता हूँ। घर हूँ तो फिर आप फिर जो भी कुछ काम रहता है तो वो तो कर सकते हो ना। तो मैं निकल चुका हूँ सीधा अभी घर के लिए, सूर्य मामा निकले उससे पहले मैं ही निकल लूँ भाई। ये जो कुहासा वाला पानी है ना भाई, तो ये चारों तरफ खर पतवार में लगा रहता है और इसी से मैं स्कूल जाता हूँ तो पूरा भाई पैर, मेरा जूता हो गया, पैर हो गया, पूरा लग जाता है भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। यही होता है। ये देखो चाचा लेके जा रहे हैं भाई गोबर। सुबह को यही सब देखने को मिलेगा, गोबर ये हो गया वो हो गया, सब यही सब देखने को मिलता है सुबह सुबह। एक छोटा बालक था भाई, देख के हंस रहा है वो, छोटे बाबा है ना हमारे, उनका नाती है, तो वो देख के हंस रहा है, सोच रहा है ये मतलब छोटा बच्चा है, लगभग 2 साल का होगा। मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा भाई। यहाँ पे सुबह ही सुबह ही बड़ी में बैठ के और भैंसों के लिए बल्टी में पानी रोक पानी भर रही है और भरने के बाद भैंसों को फिर पानी डालेगी। हाँ भाई आज सुबह सुबह काफी ज्यादा लोग कर दिए भाई, क्या हो रहा है? ये देखो ये गधे का, देखो गधा सोया हुआ है अभी भाई, अभी तो ये 7 बजे से पहले नहीं उठता है। मन तो कर रहा है कि इसको मारूं इससे ही डंडा। सुबह सुबह उठते ही मेरे को काम मिल गया, थोड़ा जाके खेत खंदे, तो बस यहाँ से कुदार ले लिए। कुदार लेने के बाद जा रहे हैं खेत में, थोड़ा खन देते, आधा एक घंटा खन लेंगे, उसके बाद फिर वापस पढ़ाई स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए फिर चले जाएंगे। हाँ तो अभी मैं आ चुका हूँ आबादी में, यहीं पे हमारा जो भी जितना भी सब्जी वगैरह बोया जाता है ना सब जाना का, बड़े पापा और चाची बड़ी मम्मी सबका, तो यहाँ पे सब्जी बोया जाता है। अब यहाँ पे मैं खनूंगा ये वाला जो दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये वाला पीछे अरवी का पत्ता भी दिखाई दे रहा होगा, इस वाले हिस्से को खनना है जो कि बांस वांस भी यहाँ पे रखा हुआ है। इसको सबसे पहले हटाते हैं और उसके बाद खनते हैं, देखते हैं कितना खन लेता हूँ। तो भाई लोग अभी 6:51 हो रहे हैं, यहाँ से और वहाँ तक मैंने खाना हुआ है और इधर का पार्ट मैंने छोड़ दिया। मैं आके सुबह ही खन दूंगा, अभी के लिए मैं चलता हूँ, थोड़ा स्टेम के साथ रहना पड़ेगा तभी जाके कोई काम होगा भाई। मैं बहुत देर देख रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, रगड़ रगड़ के भाई मेरा साफ कर रहा है भाई को। लगभग मैं जब खेत को खनने गया था ना तब भाई साफ कर रहा था इसको, और अभी अभी भी साफ ही कर रहा है भाई, समझ नहीं आ रही इतना क्यों रगड़ के साफ कर रहा है। मैं था चल लिया नहाने और नहा के पढ़ने जाने, मैं था चल लिया नहाने चारों ओर, मैं था चल लिया चारों ओर, मैं था चल लिया। हा 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 लग गया लग गया। ओके तो हमारे जो पप्पा है ना ये थोड़ा सा जो है कि फॉर्च्यूनर में रेडी वाटर होता है ना, रेडी वाटर दूसरा चेंज किए हैं लोग, पता नहीं मिलके क्या किए हमको ना पता, और बहुत बहुत पहले ही का सुबह ही का लगे थे चेंज करने के लिए, हम देखे नहीं, पढ़ के आए तो देख लेंगे फिर चारा काटे गोरन के। तो ये मेरी बड़ी भी मिल गई थी भाई, जा रहे थे ट्यूबवेल पे तो ये जा रही है बाजरा काटने के लिए, या तो बोले तो चारा काटने के लिए।
आज इतना लेट हूँ भाई, एक भी लड़का है रोड पे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब मेरे स्कूल का भाई। तो हाँ जी भाई लोग देखो, अभी सुबह के जो है कि 10:10 हो रहे हैं। मेरे को जहाँ आना चाहिए था 2 बजे छुट्टी होने के बाद स्कूल का, तो भाई मैं सुबह 10 ही बजे आ रहा हूँ। क्यों पता है भाई? मैंने बस 5 मिनट लेट किया हुआ है भाई, 5 मिनट के अंदर पता है गेट बंद कर दिया। और मान के चलो कि भाई 50 लड़के और लड़कियाँ भाई वापस आए हुए हैं स्कूल से, और भाई यार क्या बोले, टीचर लोग ऐसे भाई 5 मिनट, भाई 5 मिनट लेट के लिए भाई पूरा दरवाज़ा ही बंद कर दे रहे हैं, जो मेन गेट है ना वही बंद हो जा रहा है। और भी बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, अब इस चीज़ को तो एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे भाई। अकेले जा रहा हूँ, जो मेरा संकटी मित्र था वो शायद आया होगा आज अकेले। शाम के 4 बज चुके हैं और इस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि चल के अपना बाल क्यों ना बनवा लूँ, क्योंकि सर पे इतने ज़्यादा बड़े बड़े बोझ मेरे को अंदर से फील हो रहा है ना भाई। तो अभी एक बालक आया है मेरे गाँव ही का, उसने मेरी साइकिल को ले लिया और अपनी साइकिल को दे दिया, मेरी उस ओकांडा को लेके चला गया जहाँ पे मैं जा रहा था हेयर सैलून, उधर ही उसका भी कुछ काम था, तो मैं उसका साइकिल लेके और जा रहा हूँ। देखो भाई ये वाली उसकी साइकिल है। इस साइकिल को चलाने में ना मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन उस साइकिल को इसलिए लिया रहता हूँ ना अपने वाले को, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और एनर्जी उत्पन्न होती है जब उस साइकिल को चलाने में ना, एनर्जी उत्पन्न होती है। फाइनली पहुँच चुके हैं देहाती हेयर सैलून पे बाल कटवाने के लिए, अभी भी जस्ट पहुँचे हैं। तो यहाँ पे देखो एक जना जो चाचा जी हैं, बोले तो अंकल जी, यहाँ पे बैठ के और अपना हेयर कटिंग करा रहे हैं। के लिए मेरा बाल बन चुका है, अभी तक मैंने शीशा में भी नहीं देखा है कि भाई मेरा बाल बना कैसा है। मैं बाल बनवाते टाइम नहीं देखा, और भाई बाल बन जाने के बाद भी मैंने अच्छे से नहीं देख पाया भाई। तो बस जा रहा हूँ घर, घर जाके और बीड वगैरह सेट करेंगे, खुद से ही सेट कर लेंगे, यहाँ सेट नहीं करवा लेता हूँ भाई, क्यों मैं खुद सेट कर लेता हूँ अच्छे से। और जिलेट गार्ड थोड़ा इस पर सपोर्ट थोड़ा अच्छे से करता है, स्मूथ करता है। देख लिया भाई, इतना गर्दा गर्दा सब कर दिया, धूल मिट्टी। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई करना क्या है पता है? करना ये है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल या तो सब्सक्राइब बटन होता है सब्सक्राइब कर देना है, और फिर मजा आ जाएगा बस।